चुनाव का पर्व देश का गर्व, चुनाव भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव 2024 के प्रथम चरण की वोटिंग हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले 2 सालों में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, जिनमें मतदाताओं को कई सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। चलिए आज हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी दंगल में होगा किन किन का मंगल। चुनावी समय में कांग्रेस बीजेपी की ही बात राजस्थान में की जाती रही है। आम मतदाता अब आप पार्टी के भी जिक्र करने लगा है, परंतु आज भी छोटे जमीनी क्षेत्र से जुड़ी छोटी पार्टियों की बात कोई नहीं करता। पार्टी छोटी हो या बड़ी, सदस्यों की संख्या से होती है, परंतु पार्टी के शीर्ष नेता अपने तेवर लगभग सामान्य होते हैं। अब आप कहेंगे कि हम आपसे ये बात क्यों कर रहे हैं, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अजमेर शहर की लोकसभा सीट पर कितने प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं? सही सुना आपने, आपने कितने, सिर्फ 2 या 4 नहीं, पूरे 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक चुके हैं। हम आपको उनका परिचय क्यों दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं तो चलिए जानते हैं लोकतंत्र के हर वोट का महत्व। वोट के माध्यम से जनता अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। कई बार वोट गुस्से का इजहार करता है तो कई बार विश्वास का माध्यम बनता है, मगर हर मौके पर वोट का अपना अलग ही महत्व है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा सीट से किन किन प्रत्याशियों ने चुनाव में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, मगर हर मौके पर वोट का अपना अलग ही महत्व है। वही राजस्थान में हो रहे लोकसभा चुनाव में हमने ये जाना कि जनता को अब तक ये मालूम नहीं कि आखिर वोट देना किसे है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव अजमेर लोकसभा सीट से किन किन प्रत्याशियों ने चुनाव में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और किन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। लोकसभा आम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में 17 व्यक्तियों द्वारा 23 नामांकन दाखिल किए गए, जिसमें भागीरथ चौधरी भारतीय जनता पार्टी, रामचंद्र चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, रामदेव बहुजन समाज पार्टी, जितेंद्र बायोत आजाद समाज पार्टी, मुकेश काना भारतीय युवा जन एकता पार्टी, रामलाल अखिल भारतीय आमजन पार्टी, शहाबुद्दीन नेशनल फ्यूचर पार्टी, असलम पठान निर्दलीय, दया मोहन गर्ग निर्दलीय, देवेंद्र सिंह राठौड़ निर्दलीय, धर्म सिंह निर्दलीय, प्रेमलता निर्दलीय, भंवर सोनी निर्दलीय, यूसुफ निर्दलीय, विश्राम बाबू निर्दलीय, सत्यनारायण माली निर्दलीय, सुरेंद्र सिंह राणावत निर्दलीय ने नामांकन पत्र स्वीकृत किए हैं। वहीं इस बीच 3 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसमें असलम पठान, देवेंद्र सिंह राठौड़ और धर्म सिंह। इसके बाद अब बाकी अभ्यर्थी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इन लोगों के बारे में आप जानिए, परखिए और अपना अमूल्य वोट दीजिए। नमस्कार।